मातरम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव टू स्टार्ट फिफ्थ पार्ट ऑफ द चैप्टर वेज टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। वेज टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड फोर्थ पार्ट में हमने क्या देखा कि एरिया ऑफ थ्री गार्डन्स का एरिया फाइंड आउट किया हमने। फिर हमारा क्वेश्चन था हमें कि उसके गार्डन का जो वर्क करने के लिए उनको कितना रेट देने वाले थे पर मीटर का। जैसे गार्डन ए का 95 रुपीज़ पर रुपीज़, गार्डन बी का 110 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर एंड सी का रुपीज़ 120। फिर हमें क्वेश्चन में था कि आपको उसका जो स्क्वायर एरिया है उसका रेट से मल्टीप्लाई करना है और फिर आपको अमाउंट पता करनी है, कैलकुलेट करनी है कितनी होगी एक गार्डन की। तो आपको मैंने करने के लिए कहा था तो आपने किया ही होगा। मैंने आपको कहा था इस तरह से करने के लिए, रेट ऑफ गार्डन ए कितना है 95 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। फिर सो अमाउंट फॉर गार्डन ए के लिए अमाउंट निकालनी है तो एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट। एरिया कितना था ए का 756, मल्टीप्लाई बाय रेट कितने थे 95 रुपीज़। तो गार्डन ए के लिए कितनी अमाउंट लगेगी, 71,820 रुपीज़ जो है वो गार्डन ए के वर्क के लिए इतनी अमाउंट लगेगी। देन रेट ऑफ गार्डन बी कितना है 110 रुपीज़। फिर अमाउंट फॉर गार्डन बी, एरिया 4,432 मल्टीप्लाई बाय उसका रेट कितना है 110। तो कितने आए अमाउंट कैलकुलेट करके 47,520। आपको मल्टीप्लिकेशन करना है 432 मल्टीप्लाई बाय 110, इस तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। देन रेट ऑफ गार्डन सी कितना है 120 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। सो अमाउंट फॉर गार्डन सी, उसका एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट, 513 एरिया था मल्टीप्लाई बाय 120 रुपीज़ रेट है गार्डन सी के लिए। तो आंसर कितना आता है 61,560 रुपीज़। फिर टोटल कितनी अमाउंट लगेगी उतना वर्क करने के लिए। सो टोटल अमाउंट फॉर द वर्क ऑफ थ्री गार्डन्स के वर्क के लिए कितना अमाउंट लगेगा, तो गार्डन ए प्लस गार्डन बी प्लस गार्डन सी। तो 71,820 अमाउंट फर्स्ट गार्डन के लिए लगेगी गार्डन ए के लिए, 47,520 कितने कौन से सेकेंड गार्डन बी के वर्क के लिए लगेगी, और गार्डन सी के वर्क के लिए कितनी अमाउंट लगेगी 61,560। टोटल मिला के टोटल रुपीज़ 1,80,900 रुपीज़ टोटल अमाउंट उनको गार्डन के वर्क के लिए लगेगी। ओके, तो ये इस तरह से करने के लिए बोला था आपने। ओके, नाउ टुडे तुलसी एंड हर हस्बैंड वर्क ऑन करुण्यास गार्डन। करुण्या पेज ₹225 टू तुलसी एंड ₹258 टू हर हस्बैंड पर डे। तुलसी और उसके हस्बैंड कारुण्या के गार्डन में काम करने के लिए गए, उनके साथ वर्क करने के लिए गए। तो कारुण्या और तुलसी को कितने रुपीस पेड करने वाला था पर डे के, 225, और उसके हस्बैंड को 258। इफ़ तुलसी वर्क्स फॉर 49 डेज हाउ मच मनी डज शी गेट। अगर तुलसी 49 डेज के लिए वर्क करेगी तो उसको कितने रुपीज़ मिलेंगे। ओके, एंड इफ हर हस्बैंड वर्क्स फॉर 42 डेज हाउ मच मनी डज ही गेट। और उसके हस्बैंड 42 डेज के लिए वर्क करेंगे तो उसको कितने मनीज मिलेंगे। फाइंड द मनी देन अर्न टुगेदर, ये दोनों को मिला के कितने रुपीज उन लोग को अर्न होंगे। यहाँ पे तुलसीज वन डेज वेजेस, तुलसी का वन डे का पर डे उसको कितने रुपीज मिलने वाले थे, 225। तुलसी ऐसा स्पेलिंग है, गेट्स 225 रुपीज़ पर डे। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे सो 49 डेज, फॉर 49 डेज। ओके, सो फॉर 49 डेज इज इक्वल टू 225 मल्टीप्लाई बाय 49 करना है आपको। तो आपका आंसर कितना आएगा, 225 मल्टीप्लाई बाय 49। आपको हर सम में ऐसे ही लिखना है, मैं बार बार बोल रही हूँ,
जिसमें मैंने आपको डायरेक्ट आंसर भी कहा होगा, वहाँ पे भी आपको ऐसे सिम मेथड करनी ही है पूरी कैलकुलेशन में। 9 5 ज़ा 45, 45 के 5 4 कैरी, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 4 19, 20, 21 एंड 22, 22 के 2 यहाँ पे आएंगे, 2, 9 2 ज़ा 18, 18, 19 20। ओके, अब 40 से 0, 4 5 ज़ा 20, 2 0 यहाँ पे 2, 4 2 ज़ा 8, 9 10, 10 के 0, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9, इसी करेंगे एडिशन, 5 2 0 एंड 11, आंसर कितना आया, 11,025 रुपीस उसके 49 डेज के हो गए। फिर सेकेंड क्वेश्चन था हमारा, इफ़ हर हस्बैंड वर्क्स फॉर 42 डेज हाउ मच मनी डज ही गेट। उसके हस्बैंड को 42 डेज के लिए वर्क करेगा तो उसको कितनी अमाउंट मिलेगी। तो तुलसीज हस्बैंड, तुलसीज हस्बैंड गेट्स कितने रुपीस थे उसके, 258 रुपीस पर डे। सो 42 डेज, फॉर 42 डेज इज इक्वल टू 258 मल्टीप्लाई बाय 42, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 258 मल्टीप्लाई बाय 42, 258 मल्टीप्लाई बाय 2, 258 मल्टीप्लाई बाय 40। चलो मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 8 ज़ा 16, 16 के 6, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, 10 प्लस 1 11, 11 के 1, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 5, ओके मल्टीप्लाई, 4 8 ज़ा 32, 32 के 2, 3 कैरी, 4 5 ज़ा 20, 20 प्लस 3, 23 के 3 यहाँ पे 2, 4 2 ज़ा 8, 9 10। अब करेंगे टोटल, 6 2 प्लस 1 3, यहाँ पे 0 आएगा, 5 प्लस 3 8, 0 एंड 1, कितने आए आंसर, 10,836 रुपीस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रुपीस 10,836। फिर क्वेश्चन था हमारा टोटल, फाइंड द मनी दे अर्न टुगेदर, दोनों को मिला के कितने रुपीस मिलेंगे। तो तुलसीज 49 डेज एंड हर हस्बैंड 42 डेज इज इक्वल टू 11,025 प्लस 10,836, कितने आएगा आंसर, यहाँ पे आएगा 21,861 रुपीस दोनों के मिला के उनको उसके गार्डन के वर्क के लिए उनको मिलेंगे। ओके, कितने मिलेंगे, 21,861। तो ये हमारा उस क्वेश्चन का आंसर है, हु विल अर्न मोर फ्रॉम तुलसी एंड हर हस्बैंड। तो तुलसी विल अर्न मोर, तुलसी के कितने रुपीस थे, यहाँ पे हम लिखेंगे रुपीस 11,025 और उसके हस्बैंड के रुपीस 10,836। टुगेदर कितने दोनों को मिला के, 21,861। तो यहाँ पे आंसर आएगा, यस तुलसी विल अर्न मोर, इफ तुलसी वर्क्स फॉर मोर 5 डेज एंड हर हस्बैंड वर्क्स फॉर लेस 4 डेज, देन हाउ मेनी रुपीस विल दे अर्न। तो वो अगर 4 डेज ज़्यादा वर्क करने के लिए जाती तो उसके कितने डेज होते थे, 49 प्लस 5 54 डेज होते थे, और उसके हस्बैंड के कितने थे, अगर उसने 42 डेज वर्क किया उससे 4 डेज कम जाता हो तो उसके होते 36 डेज। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे उनके जितना प्राइस था उन दोनों का पर डे का, उनसे मल्टीप्लाई करेंगे, तुलसी के करेंगे 56 डेज से, 54 डेज मल्टीप्लाई बाय 225 एंड उसके हस्बैंड के करेंगे 38 मल्टीप्लाई बाय 258 रुपीज़ पर डे का।
आई सॉ दिस इन द न्यूज पेपर, डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैव डिक्लेयर डिफरेंट रेट्स फॉर अ डेज वर्क. डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर जो है पर डे के डिफरेंट डिफरेंट उनके रेट होते हैं, वेजेस होते हैं. नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर ए, कॉन्ट्रैक्टर बी, सी एंड डी, उनके वन डे का वेज कितना है, वेजेस कितने हैं. 285 पर डेज कॉन्ट्रैक्टर ए के पास है, बी के पास 267 डेज पर वीक के मिले, पर डे के मिलेंगे. थर्ड के पास 237 पर डेज एंड कॉन्ट्रैक्टर डी 279 पर डेज. द टेबल शोज द अमाउंट्स फिक्स्ड बाय फोर कॉन्ट्रैक्टर, ये फोर कॉन्ट्रैक्टर की अमाउंट फिक्स थी. विच कॉन्ट्रैक्टर हैज़ पेड द हाइएस्ट डेली वेजेस, वेज विच कॉन्ट्रैक्टर हैज़ पेड द लोवेस्ट. तो अब इस लिस्ट में से, इस टेबल में से सबसे हाइएस्ट किसके रेट है और सबसे लोवेस्ट किसके हैं, कौन सबसे ज़्यादा देता है, तो यहाँ पे 285 जो है वो सबसे ज़्यादा है. तो हम लिखेंगे कॉन्ट्रैक्टर ए, ए हैज़ पेड द हाइएस्ट हाइएस्ट एंड कॉन्ट्रैक्टर सी, सबसे लोएस्ट किसके है, कॉन्ट्रैक्टर सी के 237. तो यहाँ पे लिखेंगे कॉन्ट्रैक्टर सी हैज़ पेड द लोवेस्ट डेली वेजेस, लोवेस्ट डेली वेजेस. देन तुलसी वर्क्स फॉर 8 वीक एट द कॉन्ट्रैक्टर बी, हाउ मच विल शी अर्न. तुलसी 8 वीक के लिए कॉन्ट्रैक्टर बी के साथ वर्क करती है, तो उसको कितने मनी मिलेंगे, कितनी अमाउंट मिलेगी उसको. तो कॉन्ट्रैक्टर बी के पास वन डे का वेज प्राइस कितना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम तुलसी वेज फॉर वन डे कितना है, ₹267. हमें क्वेश्चन में इंडिकेट किया ही है कॉन्ट्रैक्टर बी का, इसलिए हमने डायरेक्ट अमाउंट लिखे. फिर सो फॉर 8 वीक, तो 8 वीक इज इक्वल टू कितने होते हैं, कितने डेज होते हैं, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखेंगे 8 वीक इज इक्वल टू 8 × 7 इज इक्वल टू 56 डेज होते हैं 8 वीक के. ओके, तो अब आपको इजी हो जाएगा. सो वेज फॉर 56 डेज इज इक्वल टू 56 × ₹ कितने हैं, 267. अब इसको मल्टीप्लिकेशन करना है आपको. 267 × 56 ब्रैकेट में लिखे हैं, 267 × 6 एंड 267 × 50. चलिए 6 × 7 = 42, 42 × 2 यहाँ पे 4 कैरी, 6 × 6 = 36, 36 + 4 = 40, 40 × 0 = 4, 6 × 2 = 12, 12 + 4 = 18, 12 + 4 = 16, यहाँ कहेंगे 16. फिर यहाँ पे 50, तो यहाँ पे 0 लिख लेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 7 = 35, 35 × 5 यहाँ पे आएंगे 3, 5 × 6 = 30, 30 + 3 = 33, 33 × 3 यहाँ पे ऊपर कैरी करेंगे 3, 5 × 2 = 10, 10 + 3 = 13. अब करेंगे एडिशन, 2, 5, 9, 4 and 1 कितना है, 14,952. तो यहाँ पे लिखेंगे 14,952. ओके, देन हाउ मच विल अर्न शी अर्न. ओके, तो क्वेश्चन आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, तुलसी विल गेट गेट ₹14,952. यहाँ पे लिखेंगे दस तुलसी अर्न रुपीज़
14,952। ओके, देन सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, देन सी है, तुलसी हस्बैंड वर्क फॉर 2.5 मंथ्स एट कॉन्ट्रैक्टर ए, हाउ मच विल ही अर्न। कॉन्ट्रैक्टर ए के पास हाफ 2.5 मंथ्स वर्क किया तुलसी ने हस्बैंड को, हस्बैंड ने, तो उसके कितने मनी अर्न किए। तो यहाँ पे लिखेंगे 2.5 मंथ, पहले हम लोग डेज में कन्वर्ट करेंगे, मंथ इज इक्वल टू 2 मंथ प्लस हाफ मंथ। ओके, 2 मंथ इज इक्वल टू 2 × 30 प्लस हाफ 30, कितने हो जाएंगे यहाँ पे 60 प्लस यहाँ पे 15, तो कितने हो गए यहाँ पे 15 इज इक्वल टू 75 डेज। ओके, 2.5 मंथ इज इक्वल टू 75 डेज। अब हम फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कॉन्ट्रैक्टर ए से उसने कितने अर्न किए। तो यहाँ पे लिखेंगे तुलसीज हस्बैंड हस्बैंड्स वेज फॉर 1 डे इज इक्वल टू, कॉन्ट्रैक्टर ए के पास कितने रुपीस पर डे था, ₹285। ओके, सो वेज फॉर 75 डेज इज इक्वल टू 75 × ₹285, कितने हो जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 285 × 75, फिर से सेम पैटर्न, 285 × 5, 285 × 70, 5 × 5 = 25 के 5 2 carry, 5 8 = 40, 40 + 2 = 42, 42 × 2 यहाँ पे 4, 5 2 = 10, 10 + 4 = 14। ओके, फिर 70, तो यहाँ पे 0 लिख लेंगे और 7 से करेंगे, 7 × 5 = 35, 35 × 5 = 3 carry, 7 8 = 56, 56 + 3 = 59, तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 5, 7 2 = 14, 14 + 5 = 15, 16 17 18 19, यहाँ पे आएंगे 19, 5 5 + 2 = 7, 9 + 4 = 13, यहाँ पे आएंगे 3, फिर 1, 9 + 1 = 10, + 1 = 11, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे है 2, 21,375। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 21,375 रुपीस उसके हस्बैंड अर्न करेंगे 2.5 मंथ में। हाउ मच मोर विल अ वर्कर एट कॉन्ट्रैक्टर डी गेट देन अ वर्कर एट कॉन्ट्रैक्टर सी आफ्टर वर्किंग फॉर 9 वीक। कॉन्ट्रैक्टर सी के वर्कर से कॉन्ट्रैक्ट डी के वर्कर्स कितना ज़्यादा कमाते हैं, कितना ज़्यादा वो अर्न करते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ओके, तो यहाँ पे पूछा है कि 9 वीक्स आफ्टर वर्किंग फॉर 9 वीक्स, 9 वीक को हम डेज में कन्वर्ट करेंगे पहले, तो 9 वीक इज इक्वल टू 9 × 7 डेज इन अ वीक, तो कितने आएंगे यहाँ पे 9 7 = 63 डेज हो गए 9 वीक्स के। ओके, अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट कॉन्ट्रैक्टर डी के, तो सो यहाँ पहले तो हम वेज फॉर वन डे एट कॉन्ट्रैक्टर डी इज इक्वल टू ₹279। अब 63 डेज के लिए, सो वेज फॉर 63 डेज इज इक्वल टू 63 × ₹279। सेम आप स्टैंडिंग पोजीशन से सम्स करेंगे, 279 × 63, 279 × 3, 279 × 60, इस तरह से। तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे 279 × 63 के लिए, यहाँ पे लिखेंगे 279 × 3 एंड 279 × 60। ओके, 3 9 =
7, 7 के 7, 2, 3, 7 21, 21, 22, 23, तो यहाँ पे आएंगे 3, यहाँ पे आएंगे 2, 3, 2 6, 6, 7, 8, फिर यहाँ पे 0, 6, 9 54, 54 के 4, यहाँ पे 5, फिर 6, 7 42, 42, 43, 44, 45, 46 and 47, 47 के 7, और यहाँ पे आएंगे 4, फिर 6, 2 12, 12, 13, 14, 15 and 16। चलो एडिशन करेंगे अब, 7, 4 plus 3, 7, 7 plus 8, 15, 5, 1, 6 plus 1, 7 and 1, कितना आया आंसर, 17,577 rupees 63 days में अर्न करते हैं कॉन्ट्रैक्टर डी के पास। देन सेम प्रोसेस लिखेंगे अब यहाँ पे पेज फॉर वन डे एट कॉन्ट्रैक्टर सी इज इक्वल टू कितने रुपीस है उसके पास, 273 रुपीस। तो यहाँ पे लिखेंगे सो वेज फॉर 63 days इज इक्वल टू 63 मल्टीप्लाई बाय रुपीज़ 273। आप अभी किया था सेम वैसे ही कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा ₹14,931। फिर आपको क्या करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंस इज इक्वल टू ₹17,577 minus ₹14,931, तो आपका आंसर आएगा ₹2,646। आप इसको करके देख सकते हैं, मैंने कैलकुलेट किया है इसको। तो आंसर में क्या लिखेंगे, द वर्कर विल गेट 2,646 more एट कॉन्ट्रैक्टर डी देन एट कॉन्ट्रैक्टर सी, देयरफॉर अ वर्कर विल गेट ₹2,646 more एट कॉन्ट्रैक्टर डी देन एट कॉन्ट्रैक्टर सी। ओके, तो यहाँ पे इतना आंसर आपको करना है। तो हम जितने भी सम्स समझ रहे हैं उसको अच्छे से समझ के देखिए, 2-3 times वीडियो देखिए और आप कर कर भी देखिए। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट फिनिश होता है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट।